नहीं लगाना, बस सोचना मात्र है। सोचने से सब कार्य होने लगेंगे, होने लगेंगे। ये आने वाले समय का वर्णन है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, पुरानी बातों का ही पता चलता है, मैं सामने बस देखता रहता हूँ, बोलता नहीं। लेकिन जो बोलते हैं वो ऊपर वाला जो संदेश देता है, जो अपनी किरणें भेजता है, जो अपने मैसेज भेजता है, उसी प्रकार से वर्णन कर दिया जाता है। जब आप उसी प्रकार से उसके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे, आप उसको समझने लगेंगे, आप उसको पालोगे, पाने का प्रयत्न करोगे, उसके ऊपर खोजबीन करोगे, काम करोगे, उस सच्चे बादशाह के ऊपर अपना समय दोगे, उसके लिए अपना समर्पण करोगे, भाव से जो खेल शुरू होगा, जो आपके प्रेम के साथ चलेगा, और जो प्रेम से सींचोगे उस भक्ति के वृक्ष को, कोई रोक नहीं सकता आपको प्राप्त करने से। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से संसार के अंदर फंसे रहे, विषय वासनाओं के अंदर फंसे रहे, एक दूसरों के कमियां छोड़ करके अपनी कमियों को खोज करो, अपने मन को टटोल करके देखो क्या छुपा रखा है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने सुदामा की पोटली टटोल करके देखी क्या छुपा रखा है, उसी प्रकार से आप अपने मन की पोटली को टटोल करके देखो कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या दबा हुआ है, क्या हमें पाना है, क्या इसके अंदर शेष रह गया है। सब कुछ निकाल निकाल करके, चुन चुन करके निकाल दो। आपने फोन देखा होगा, आप कोई भी मुझे एक बता रहा था कि जो लोग चीज़ें देखना शुरू करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। किसी भी विषय की, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, उसी प्रकार की चीज़ें ये सामने दिखाने शुरू कर देते हैं सारे के सारे फोन। उसी प्रकार से सोचो ये कितने गहरे बने हैं। मानव का मस्तिष्क भी इसी प्रकार से है, मानव का दिमाग भी इसी प्रकार से है। जो सोचते हो, जिस प्रकार की इच्छा करते हो, जिस प्रकार के शब्द ग्रहण करते हो, जिस प्रकार की चीज़ें अंदर में खींचते हो, उसी प्रकार के लोगों के साथ मिलान करा देता है। हमारे पूर्वज बोलते भी थे, बूढ़े बुजुर्ग बोलते भी थे कि अपने संघ का तो गंगा जी के ऊपर भी ढूंढ लेते हैं, कहीं भी जा करके अपने साथी को ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार के लोग उनको मिल जाते हैं। ये क्यों होता है? ये ऐसे ही मनगढ़ंत बातें नहीं है। उन्होंने देखा नज़दीक से जा करके कि इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसा चरित्र है। जिस प्रकार से आप एक शराबी को कहीं भी छोड़ दो, उसी प्रकार से वहीं जा करके शराबियों को ढूंढ लेगा। किसी भी प्रकार से नशे करने वाले को देखो, दूर से आंखें देख करके बता देगा ये मेरी क्वालिटी का आदमी है, इसके पास बीड़ी जरूर मिलेगी, जा करके मांगेगा। ये हालत जीवों की है, ये रचनाएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, हमारी सुविधा के लिए लिख लिख करके, बोल बोल करके, पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक लोकोक्तियां या मुहावरे बना करके समाज में पेश कर दिए। लेकिन हम इनका अर्थ न समझ करके वैसे ही इनका बस प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन हम इनकी जड़ों तक जा करके इनको समझते नहीं, इनकी खोज नहीं करते, इनको महत्व नहीं देते, और ज़्यादा समय इनके ऊपर खराब नहीं करते। अगर हम समझेंगे, महत्व देंगे, तो एक एक शब्द हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का, सिद्धों से जो वाणी आती है वो साधकों में आती है, ऋषियों में आती है। साधकों से जो वाणी आती है, वो साधक जब गांव के अंदर भिक्षाटन के लिए जाते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, वो वाणी सांसारिक लोगों को दे करके आते थे। उनसे साधकों से ब्रह्मचारियों में, ब्रह्मचारियों में गृहस्थियों में, इस प्रकार से हमारी ये सिद्धों की वाणियाँ फैल जाती थी, पूरे संसार के अंदर फैल जाती थी, और प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव
वही वाणी बोलने लगता था जो हमारे सिद्ध बोलते हैं। तो उसी प्रकार से ये खेल चलता है। जब आप इसको गहराई से इन वस्तुओं के ऊपर काम करोगे, ध्यान करोगे, एक एक शब्द को ले करके अंदर में उतर जाओगे। अंदर में उतरना ये नहीं कि मुंह के अंदर से खा जाए और फिर अंदर में उतर जाए, ध्यान के द्वारा अंदर में उतरेंगे। शब्द को ले करके ध्यान में बैठ जाएं और शब्द की खोज करें। मानव अपने आप ध्यान करता रहता है, ये नेचर है मानव का। ये वो ध्यान होता है जो बिना लगाए बिना प्रयास के होता है। किसी भी बात को लेकर के आप उसी पॉइंट के ऊपर अटक जाते हैं। कोई आपके साथ गलत कर दे, उसी को दिमाग में घुमाते रहते हैं। कोई आपको ले करके कोई बहुत सही कर दे, आपका कोई अच्छा काम करते, आप इंटरनली जो है वो खुशी आ जाए और आप ये महसूस कर बड़ा काम किया इन्होंने, तो पूरा दिन वही बात दिमाग में घूमती रहे, ये ध्यान है। बिना प्रयास के ध्यान है, ये चलता रहता है, प्रत्येक मानव के साथ चलता है। लेकिन दूसरी श्रेणी का जो ध्यान होता है वो प्रयास किया जाता है। संतों से सुन करके, पुस्तकों से पढ़ करके, सिद्धों को देख करके, भजन करते हुए देख करके, मंदिरों को देख करके, किसी भी प्रकार से प्रयास किया जाए कि हाँ साधना कर रहे हैं हम, और साधना शुरू कर दी। अगली श्रेणी का जो ध्यान होता है वो इन बाहरी वस्तुओं को छोड़ करके केवल नाम के ऊपर स्थिर कर दे। उससे अच्छी श्रेणी का जो ध्यान होता है वो नाम भी पीछे छूट जाता है। उससे भी अच्छी श्रेणी का ध्यान जो होता है वो ये होता है, ना कुछ करना, ना पाना, ना खोना, ना प्राप्त करना, और हर समय एज पर जाप चलता रहे। कुछ भी करते हुए कोई गाने लगे वहाँ ध्यान लग जाए, कोई बोलने लगे वहाँ ध्यान लग जाए, एहसास हो कि अरे क्या बोल रहे थे, फिर पूछे क्या कह रहे थे आप, फिर समझ में आए कि अरे कहाँ खो गए थे, कहाँ गए थे, कि नहीं था तो यहीं बस झटका लगा। तो इस प्रकार का जो ध्यान होता है वो उत्तम श्रेणी का ध्यान होता है। तो ये ध्यान के ऊपर जब गहरा काम करोगे, ध्यान को समझने लगोगे, सांसों के ऊपर पकड़ करो, किसी भी प्रकार से कम 500 सांसों के ऊपर तो पकड़ करो। अपने 521,600 सांस लेते हो हर रोज, इनमें से कम 1,500 सांस तो अपने लो कि अपनी मर्जी से चले और अपनी मर्जी से उनका उपयोग कर सके, कि उनकी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सके, हम अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। कम से कम 1,000 सांसों पे तो हमारी पकड़ हो कि चाह करके भी ना हिले, जहाँ जैसे सांस लेना है वैसे ले, जहाँ तक ले करके जाना वहाँ तक गहरा लंबा ले करके जाए, जैसे छोड़ना है वैसे छोड़े, फिर मन हिलाए नहीं हिलेगा। जो ये लोग बोलते हैं मन नहीं लगता, भूल जाओगे। जो ये लोग बोलते हैं पैरों में दर्द होता है, भूल जाओगे। कुछ लोग सोचते हैं पूर्णिमा पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं जिससे मेरा कष्ट और रोग मिट जाए। आप लोग भ्रम के अंदर हैं, भूल के अंदर हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत गहराई से सत्संग के विषय में खोज की। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पौनी आज, तुलसी साध संगत से कटे कोट कोट अपराध। कि आधी घड़ी से भी आधी घड़ी अगर सत्संग मिल जाए, सत्य का संग मिल जाए, तो करोड़ों करोड़ अपराध कट जाते हैं, करोड़ों करोड़ पाप और कर्म निपट जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे संत बोल रहे हैं, जिनकी वाणियों को हम पढ़ करके गर्व को प्राप्त करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। जिन्होंने वर्णन किया उस साधना का, जिन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचनाएं की, जिनको जितना जिसमें सामर्थ्य है उतना उससे निकाल ले,
जो जितना पात्र है, जिस प्रकार से इस पृथ्वी में अनेकों प्रकार के खनिज छुपे हुए हैं, अनेकों प्रकार के ऐसक छुपे हुए हैं, अनेकों प्रकार के पदार्थ छुपे हुए हैं, जिसके अंदर जितनी अक्षमता होती है, जिसके पास जैसी टेक्नोलॉजी होती है, जैसी मशीनें होती हैं, जिसका साइंस जितना मजबूत होता है, वो उतने ही पदार्थ निकाल लेता है और उतना ही ज़्यादा उपयोग करता है। उसी प्रकार से जिसके अंदर जिसका विकास, बौद्धिक विकास जितना ज़्यादा हुआ, जिसका आध्यात्मिक विकास जितना ज़्यादा हुआ, जिसका योग बल जितना मजबूत है, जिसका सामर्थ्य जितना ज़्यादा है, वो उतना ही इन चीज़ों के अंदर से निकाल करके, खोज करके और पान करता है, प्राप्त करता रहता है और सार को समझ लेता है।